हेलो गाइस, आप सब कैसा है? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। गाइस आज डॉट इन्फो में आपको स्वागत है। गाइस आज के वीडियो में हम हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 और होंडा सीबी साइन BS6 इस दोनों बाइक का फुल कंपटीशन करने वाला है। इस दोनों बाइकों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट होने वाला है? गाइस इस दोनों बाइकों में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाते, क्या कुछ आपको स्लिम फीचर्स देखने को मिल जाते, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले इस वीडियो में। गाइस अगर आप 125cc सेगमेंट में सिंपल लुक कम्यूटर सेगमेंट का बाइक लेना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, हीरो का सुपर स्प्लेंडर होंडा सीबी साइन। इसके अलावा 125cc सेगमेंट में जितने भी बाइक आते हैं वो सभी स्पोर्टी लुक के साथ देखने को मिलता है। सो गाइस अगर आप हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 और होंडा सीबी साइन BS6 इस दोनों बाइकों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो में गाड़ी के बारे में सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा। और गाइस आप इस चैनल पर नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि गाड़ी के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ना मिस करें। तो चले गाइस बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाड़ी का लुक के बारे में। गाड़ी का लुक अपने अपना व्यक्तिगत पसंद है, किसी का हीरो का सुपर स्प्लेंडर अच्छा लगता है और किसी का होंडा सीबी साइन अच्छा लगता है, लेकिन गाइस मेरा तो लुक के मामले में होंडा सीबी साइन ही अच्छा लगता है। गाइस आपको कौन सी गाड़ी अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइस अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का हेडलाइट के बारे में। दोनों गाड़ियों में आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाते हैं, कोई भी आपको LED हेडलाइट देखने को नहीं मिलेगा। हीरो सुपर स्प्लेंडर और होंडा सीबी साइन दोनों गाड़ियों में इंडिकेटर आपको बल्ब मिल जाता है, दोनों गाड़ियों में टेल लाइट भी आपको बल्ब मिल जाता है। गाइस अभी हम बात कर लेते हैं इस दोनों बाइकों के इंजन के बारे में। हीरो सुपर स्प्लेंडर में 124.7cc एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OASC इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 7500 RPM पे 10.8 BHP की पावर और 6000 RPM पे 10.6 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और गाइस होंडा सीबी साइन की बात करें, होंडा सीबी साइन में 124cc एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक ESP टेक्नोलॉजी इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 7500 RPM पे 10.74 BHP की पावर और 6000 RPM पे 11 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो गाइस यहां पे देखा जाए तो थोड़ा सा पावर आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है हीरो सुपर स्प्लेंडर में, और थोड़ा सा टॉर्क आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है होंडा सीबी साइन में। तो गाइस होंडा सीबी साइन में आपको इनिशियल पिकअप अच्छा देखने को मिल जाता है, टॉप स्पीड आपको सुपर स्प्लेंडर में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। हीरो सुपर स्प्लेंडर और होंडा सीबी साइन इस दोनों बाइकों में आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, और गाइस इस दोनों बाइकों में आपको सेल्फ और किक स्टार्ट देखने को मिल जाता है। गाइस अभी हम इस दोनों बाइकों का टायर के बारे में बात कर लेते हैं। हीरो सुपर स्प्लेंडर का फ्रंट में 80x100 18-इंची ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा, और रियर में 90x90 18-इंची ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस होंडा सीबी साइन का फ्रंट में 80x100 18-इंची ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा, और रियर में 80x100 18-इंची ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखा जाए तो 10mm थोड़ा सा चौड़ा टायर देखने को मिल जाता है हीरो सुपर स्प्लेंडर, जो कि एक प्लस पॉइंट है। स्टेबिलिटी और अच्छा खासा ग्रिप आपको यहाँ पे हीरो सुपर स्प्लेंडर में देखने को मिल जाएगा। गाइस अभी हम इस दोनों बाइकों का ब्रेक के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों बाइकों में आपको सेम ब्रेक देखने को मिल जाएगा, कोई भी आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। हीरो सुपर स्प्लेंडर का ड्रम वेरिएंट का फ्रंट में 130mm का ड्रम और डिस्क वेरिएंट में 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और होंडा सीबी साइन का ड्रम वेरिएंट में फ्रंट में 130mm का ड्रम और डिस्क वेरिएंट में 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ब्रेकिंग के मामले में दोनों बाइक बिल्कुल सेम है। गाइस अभी हम बात कर लेते हैं इस दोनों बाइकों का सस्पेंशन के बारे में। हीरो सुपर स्प्लेंडर का फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाएगा, और रियर में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है। और होंडा सीबी साइन का फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक और रियर में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। गाइस अभी हम बात कर लेते हैं इस दोनों बाइकों का डायमेंशन के बारे में। हीरो सुपर स्प्लेंडर में आपको 2042mm का लेंथ देखने को मिल जाता है, और वाइड 740mm, हाइट 1102mm, सीट हाइट 799mm, और ग्राउंड क्लियरेंस 180mm, और व्हील बेस 1273mm, और कार्बोरेट ड्रम वेरिएंट का 122kg और डिस्क वेरिएंट का 123kg। और होंडा सीबी साइन का लेंथ 2046mm, वाइड 737mm, हाइट 1116mm, सीट हाइट 791mm, ग्राउंड क्लियरेंस 162mm, व्हील बेस 1285mm, कार्बोरेट ड्रम वेरिएंट का 114kg और डिस्क वेरिएंट का 115kg। तो गाइस डायमेंशन के मामले में देखा जाए तो दोनों बाइक बराबर सेम है, थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा हीरो सुपर स्प्लेंडर में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हीरो सुपर स्प्लेंडर में आपको 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा, और वहीं पे होंडा सीबी साइन में 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। होंडा सीबी साइन से हीरो सुपर स्प्लेंडर फ्यूल टैंक कैपेसिटी थोड़ा सा ज्यादा है। गाइस अभी हम बात कर लेते हैं इस दोनों बाइकों का मीटर कंसोल के बारे में। हीरो सुपर स्प्लेंडर में आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको गाड़ी का स्पीड, फ्यूल गैस, सर्विस रिमाइंडर, क्लॉक, रियल टाइम माइलेज, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ स्विच, आई3 स्क लाइट देखने को मिल जाता है।
और गाइस होंडा सिविक साइन में आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें गाड़ी का स्पीड और फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखा जाए तो मीटर कंसोल के मामले में होंडा सिविक साइन से हीरो सुपर स्प्लेंडर बेस्ट है। गाइस अभी हम बात करते इस दोनों बाइकों का फीचर्स के बारे में। हीरो सुपर स्प्लेंडर में आपको बैक एंगल सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर, I3S सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ऑल वेदर एजी स्टार्ट सेंसर, USB चार्जिंग पॉइंट और सेफ्टी के लिए IBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और गाइस होंडा सिविक साइन में आपको साइलेंट स्टार्टर, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, DC हेडलैम्प, CBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो गाइस फीचर्स के मामले में देखा जाए तो हीरो सुपर स्प्लेंडर होंडा सिविक साइन से आगे निकल जाता है। गाइस अभी हम बात करते इस दोनों बाइकों का माइलेज के बारे में। दोनों बाइकों में आपको 60 प्लस की माइलेज देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस माइलेज डिपेंड करता है राइडिंग के ऊपर और गाड़ी का मेंटेनेंस के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे हीरो सुपर स्प्लेंडर का मुकाबला में होंडा सिविक साइन में आपको थोड़ा सा माइलेज ज्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका वेट थोड़ा सा कम है। गाइस अभी हम बात करते इस दोनों बाइकों के कलर ऑप्शन के बारे में। हीरो सुपर स्प्लेंडर में आपको 5 कलर देखने को मिल जाएगा, डस्क ब्लैक, ग्लच ब्लैक, हेवी ग्रे, नेक्सस ब्लू, कैंडी ब्लजिंग रेड। और गाइस होंडा सिविक साइन में आपको 4 कलर देखने को मिल जाएगा, ग्रे मेटालिक, ब्लैक एथलेटिक, ब्लू मेटालिक, रेवेल रेड मेटालिक। तो गाइस यहाँ पर देखा जाए तो कलर ऑप्शन के मामले में हीरो सुपर स्प्लेंडर होंडा सिविक साइन से पहले निकल जाता है। गाइस अभी हम बात करते हैं इस दोनों बाइकों का प्राइस ऑप्शन के बारे में। हीरो सुपर स्प्लेंडर ड्राम वेरियंट एक्स शोरूम कलकत्ता की प्राइस 75,800, जो कि आपको ऑन रोड एक्सप्रोक्स में 93,000 के आसपास पड़ जाएगा। और गाइस डीज वेरियंट का एक्स शोरूम कलकत्ता की प्राइस 79,750, जो कि गाइस आपको ऑन रोड एक्सप्रोक्स 97,000 के आसपास पड़ जाएगा। और वहीं पे होंडा सिविक साइन की बात करो तो होंडा सिविक साइन राम ब्रांड का एक्स शोरूम कलकत्ता की प्राइस 76,198, जो कि आपको ऑन रोड में 92,000 अप्रोक्स के आसपास पड़ जाएगा। और गाइस आप होंडा सिविक साइन का फोन में डिस्क ब्रेक लेना चाहते हो तो कोलकाता एक शोरूम प्राइस 80,598, जो कि आपको 96,000 के अप्रोक्स आपको आसपास को पड़ जाएगा। गाइस फिलहाल वीडियो वाच इतना ही है। वीडियो में हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 और होंडा सिविक साइन BS6 के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में सब कुछ बताया। आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। गाइस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि गाड़ी के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ना मिस करें। तो चले गए सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।